2022 मेरे लिए काफी नया साल रहा है, and I know सबके लिए नया साल रहा है, पर मेरे लिए ये कुछ स्पेशल नया साल है। 2022 में मैं पहली बार पूरी तरह से कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी कोई सैलरी नहीं है और जिंदगी काफी अनइवन सी चल रही है, काफी अनप्लान्ड सी चल रही है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं भी निकलने के लिए किसी भी शॉर्ट नोटिस पे। और इसी संदर्भ में जब मुझे जाजपुर नाम की जगह से एक इन्विटेशन आया वहां घूमने आने के लिए, मेरा पहला इंप्रेशन तो ये था कि भाई किसी ने जल्दी जल्दी मेल लिखने में टाइपो कर दिया है और मुझे जाजपुर नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर के शहर में बुलाया गया। पर गलती तो मेरी ही थी कि मुझे उड़ीसा में बसी इस अनोखी जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो चलिए आज साथ में एक नई जगह देखते हैं, चलिए आज मिलजुल कर जाजपुर घूमते हैं। शुरुआत करते हैं जाजपुर के इतिहास से। इसे बसाया गया था 10वीं शताब्दी में महाराजा जजाति केशरी ने और इस जगह का नाम भी उनके नाम पे ही पड़ा। परंतु उड़ीसा के इस हिस्से की कहानी और भी बहुत पुरानी है। यहाँ के बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग 5वीं शताब्दी से हैं और अगर आप लेजेंड्स की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ का शक्तिपीठ हमेशा से ही रहा है। तो जाजपुर में एक मंदिर है जो काफी फेमस है और हम लोग अपने जाजपुर एक्सप्लोरेशन की स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। विराजा माता मंदिर दुनिया के 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा त्योहार भी मनाया जाता है। मैं हिंदुस्तान में बसे और भी शक्ति पीठों में गया हूँ पर यहाँ की वाइब बहुत अलग है। ये बहुत ही पीसफुल, रिलैक्स्ड और काम सी जगह है। आपको बिल्कुल भी रश फील नहीं होगा फॉर ए टेम्पल विच इज सो इम्पोर्टेंट। विरजा माता मंदिर के बाद चलिए बराहनाथ टेम्पल जाते हैं जो यहाँ की बैतरणी नदी के दूसरे पार है। ये मंदिर 15वीं से 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और डेडिकेटेड है बराहनाथ जी को जो विष्णु के एक अवतार हैं। यहाँ का तीसरा मुख्य मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो लोकेटेड है यहाँ के दशाश्वमेध घाट पे। ये भी एक विष्णु मंदिर है। इन सभी मंदिरों को घूमने के बाद हम सबको बड़ी भूख लग गई। तो अभी लंच के हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी जगह पे आ गए ट्रेडिशनल ओडिया खाना खाने के लिए और इसका नाम है ओडियानी। द नॉन वेज फूड इज अपेरेंटली रियली गुड और उसी के हिसाब से हमारी टेबलें भी डिवाइड हो गई हैं। आई एम ऑफ कोर्स विद माय वेज बडीज। तो अभी शाकाहारी खाना खाते हैं, शाकाहारी ट्रेडिशनल ओडिया फूड टुडे। हिंदुस्तान का ये हिस्सा एक प्रोमिनेंट बुद्धिज्म सेंटर रहा है पुरातन काल से, जब अशोका ने बुद्ध धर्म अपनाया कलिंगा वॉर के बाद। 5वीं शताब्दी से जाजपुर भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं और इनमें से दो, उदयगिरी और रत्नागिरी, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। हमने शुरुआत की उदयगिरी से जो 1970 के दशक में एक्सकेवेट हुआ था और यहाँ बहुत सारे स्तूपा और विराहा हैं। उदयगिरी के दो हिस्से हैं, उदयगिरी 1 और 2, और आप जरूर दोनों जगह जाइएगा। दोनों काफी डिफरेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। माना जाता है कि उदयगिरी 7वीं से 12वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा एक्टिव था। चलिए मैं आपको अब दूसरी एक ऐसी साइट पे, ऐसी बुद्धिस्ट साइट पे ले चलता हूँ जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। रत्नागिरी का मतलब होता है हिल ऑफ ज्वेल्स, मतलब हीरे जवाहरातों वाला पहाड़। यहाँ का डिटेल्ड स्टोन कार्व गेट सबसे ज्यादा खूबसूरत और पॉपुलर है। रत्नागिरी उदयगिरी से भी ज्यादा पुराना है और इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई थी। जाजपुर केवल घूमने की जगहों के लिए ही प्रख्यात नहीं है
अपने क्राफ्ट सेक्टर के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ मुख्यतः चार तरह के क्राफ्ट होते हैं, टसर सिल्क, गोल्डन ग्रास, टेराकोटा और स्टोन कार्विंग। अगर आपको भी क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा गोपालपुर विलेज, जहां हर परिवार क्राफ्ट से कनेक्टेड है। गोपालपुर को टसर सिल्क के लिए GI टैग भी मिला है, विच इज क्वाइट अ बिग थिंग। अगर मेरी तरह आपको लोकल संगीत में भी रुचि है तो जरूर मिलिए अलक दास से, जो जाजपुर के अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो केंद्रा पे संगीत बनाते हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र से संगीत में शुरुआत की और अपना पूरा जीवन केंद्रा को ही डेडिकेट किया। एक चीज जो मुझे काफी इंप्रेस करती है जाजपुर में वो है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और कितना एफिशिएंटली और कितना डेडिकेटेडली वो लोग काम करते हैं बहुत सारी चीजों को लेके। उसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ का जाजपुर महोत्सव, जो हर साल मनाया जाता है। इट्स ए कल्चरल फेस्टिवल और यहाँ पे सिंगिंग परफॉर्मेंसेस होते हैं, डांसेस होते हैं, यहाँ पे मार्ट होती है हार्ट जैसा, अच्छा खाना होता है। फरवरी का महीना यहाँ पे आने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जाजपुर महोत्सव होता है तो आप वो अटेंड कर सकते हैं, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है महोत्सव में जाने का। अगर आज का जाजपुर से ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इस पे कमेंट भी करें, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।